नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज दिन भर की 25 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में मंत्री रामसूरत राय को घेरा है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने सीधे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय को लपेटा। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल परिसर में शराब की बोतल मिली वो इनके भाई के नाम से है, शराब बिकवाने में मंत्री की भी भूमिका है, ऐसे में मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जेडीयू ने तेजस्वी का हाथ में बोतल लिए तस्वीर जारी किया है। तस्वीर में तेजस्वी यादव हाथ में बोतल लिए हुए दिख रहे हैं। जेडीयू का मानना है कि वे जब बचपन से ही शराब का सेवन करते थे। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि जो बचपन से खुद शराब का सेवन करता हो उसे बाकी सब शराबी ही दिखता है। बीजेपी ने तेजस्वी से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने मंत्री रामसूरत राय पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा अनर्गल लांछन लगाने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को रामसूरत राय से दिक्कत है, क्योंकि वे यादव हैं इसलिए उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं। सड़क हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत हुई है। आगरा कानपुर हाईवे पर गुरुवार को अली सुबह भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में तेज स्कॉर्पियो कंटेनर ट्रक से जा टकराई, जिसमें 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में बिहार के 7 लोग शामिल हैं। रेरा ने बिल्डरों पर नकेल कसने को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। बिल्डरों से 31 मार्च तक अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही, साथ ही सभी ग्राहकों के फायदे के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश ने आगरा कानपुर हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में बिहार के 7 लोगों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि घटना की जानकारी मिलने से वे काफी आहत हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। खबर हाजीपुर से है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर से निकले। शोभा यात्रा का बैलगाड़ी पर सवार होकर अगुवाई करते दिखे। इस दौरान उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी की और शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े। बता दें, वे कई सालों से महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान महादेव की बारात में शामिल होते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार कैबिनेट के 64% मंत्री दागी हैं। मंत्रियों पर बलात्कार से लेकर हत्या, रंगदारी जैसे संगीन आरोप हैं। मुख्यमंत्री ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करें। पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। मामले में उन्होंने पत्रकार नगर थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अब यूपी और झारखंड से CRPF के रैफ बटालियन की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही रैफ अपना मुख्यालय बिहार में शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए पटना से सटे हाजीपुर का चयन किया गया है। इसके लिए सरकार ने CRPF को 50 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करा दी है। बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री का किंग पिन कहे जाने वाले चंदन सोनार को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई सालों से पुलिस प्रयास कर रही थी, लेकिन नाकामी हासिल हो रही थी। आखिर में यह तलाश खत्म हुई। सिंगरौली में, जहां वह पिछले 10 साल से छिपा हुआ था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यहां एक होटल संचालक के रूप में वह काम कर रहा था। पूर्वी चंपारण के बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने बड़े ही तामझाम से 2019 में संसदीय क्षेत्र में 70 जगहों पर करोड़ों की लागत से CCTV लगवाया था, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद ही योजना की हवा निकल गई। कई जगहों पर तो योजना पर काम खत्म भी नहीं हुआ और ठेकेदार पैसे लेकर फरार हो गया। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत की बात सामने आ रही है। जांच हो तो बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। पटना के रूपसपुर थाने में किन्नरों ने आज जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्वी गोला रोड में किन्नर बधाई मांगने गई थी। इसी बीच वहां के स्थानीय युवकों ने किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में 2-3 किन्नर बुरी तरह जख्मी हो गई हैं।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ धाम अरेराज में कल शाम से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई थी। बताया जा रहा है कि 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए देर रात करीब 2 बजे के बाद ही बाबा का दरबार खोल दिया गया था। नवादा के नगर थाना परिसर में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे परिसर में जब्त कई पुराने वाहन जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम थाना पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। पटना सिटी के कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल पर एक बाइक में अचानक आग लग गई। इस वजह से पुल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति कच्ची दरगाह से पीपा पुल होते हुए राघोपुर जा रहा था, तभी बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवभक्तों ने अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर शिवलिंग पर जलार्पण किया। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के नारों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। सीतामढ़ी के एक स्कूल में प्रवेशोत्सव को लेकर गांव में छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली, लेकिन यह रैली अपने दूसरे कारण से चर्चा में है। इस रैली में शामिल बच्चे AK-47 की मांग करते दिखे। रैली का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बिहार के 120 से ज्यादा शहरों में बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी और दूरी तय करने में कम समय लगेगा। साथ ही सरकार पुलों के रखरखाव के लिए अलग से नीति बनाएगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार इस साल सड़कों पर 5803.60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बुलेट सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोठिया थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 77 अमीन चौक के पास की बताई जाती है। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि दोनों मृतक कुरसेला थाना क्षेत्र के मक्का व्यवसायी थे। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ग्राम सरकार को नए अधिकार देने की कवायद शुरू हो गई है। अब ग्राम पंचायतें भी अपने इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगा सकेंगी और इसकी वसूली का काम भी कर सकेंगी। नंदीग्राम में CM ममता बनर्जी पर हुए हमले की तेजस्वी यादव ने कड़ी आलोचना की है। तेजस्वी ने हमले को कायरतापूर्ण करार दिया है। तेजस्वी यादव ने इस हमले के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया है। होली के मौके पर झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। रांची डिवीजन की ओर से इसको लेकर पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें पहले से ही चलाई जा रही हैं। रांची डिवीजन के CPRO नीरज कुमार ने बताया कि होली के मौके पर बिहार या फिर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया है। ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 12 शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर चुनाव प्रचार करेगी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है। जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाए या फिर जो मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदान के दिन पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए देना होगा। तो ये थी दिन भर की 25 बड़ी खबरें। कल फिर हम इसी समय दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।